दोस्तों जिम में या फिर ट्रैवल टाइम में इस टाइप का ब्लूटूथ हेडसेट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन घर पे यूज़ करने के लिए हम लोग मैक्सिमम वायर्ड हेडसेट का यूज़ करते हैं। अब इसका क्वालिटी डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, एंड ज़्यादा मनी स्पेंड करने के बाद भी कभी कभी क्वालिटी खराब मिलता है। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप खुद से एक वायर्ड हेडसेट का माइक एंड स्पीकर का क्वालिटी चेक कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी हेडफोन को चेक करने के लिए हमें हेल्प चाहिए एक मल्टीमीटर का। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली सेगमेंट में आता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आप देख सकते हो अभी ऑफ स्टेट में है, कोई भी किड भी इसे ऑपरेट कर सकता है। आप यहाँ पे जो वाईफाई सिग्नल जैसा दिख रहा है वो कंटिन्यूटी सिग्नल है, वहाँ पे आपको टर्मिनल को लेके आना है। एंड आफ्टर दैट हमें चेक करना है कि यहाँ से कोई बीप साउंड मिल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो एक बीप साउंड मिल रहा है, बस इसी से हमें चेक करना है। पहले इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट टर्मिनल है ये लेफ्ट स्पीकर के लिए है, देन राइट स्पीकर एंड माइक। ये माइक के साथ ही हम लोग इसको कंटिन्यूटी इसका चेक करेंगे। तो माइक टर्मिनल में कोई भी टर्मिनल को आप रख सकते हो, एंड देन आप यहाँ पे अगर लेफ्ट को चेक करो तो आप देख सकते हो एक बीप साउंड हम लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब वर्किंग है। एंड देन राइट टर्मिनल को यहाँ पे भी हमें बीप साउंड मिल रहा है, तो ये भी इसका दोनों जो हेडसेट का पेयर है दोनों वर्किंग कंडीशन में है। दोस्तों माइक का क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे नीचे का जो टर्मिनल है वो है ग्राउंड टर्मिनल, एंड नीचे से जो सेकंड टर्मिनल है वो है माइक का टर्मिनल। तो मल्टीमीटर से रीडिंग चेक करने से हमें मिल रहा है 1286, एंड जनरली 600 टू 1800 के बीच ये वैल्यू वेरी करते रहता है। रीडिंग ज़्यादा होने से ज़्यादा नॉइज मिलेगा, एंड रीडिंग अगर कम होता है तो उसमें कम नॉइज मिलता है। एंड स्पीकर का क्वालिटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 ओहम में हम लोग सेट कर लेते हैं, एंड उसके बाद चेक करने से आप देख सकते हो मीटर रीडिंग आया है 34.5। जनरली 30 से ज़्यादा अगर वैल्यू होता है तो हमें जो स्पीकर का बास साउंड है वो बहुत अच्छी तरह से मिलता है, एंड इसी से ही स्पीकर क्वालिटी आप डिसाइड कर सकते हो। 30 से ऊपर जाने से ही उसे अच्छा क्वालिटी का हेडफोन आप कंसीडर कर सकते हो। सो कोई भी स्पीकर अगर 13 रीडिंग से नीचे आता है, इन दैट केस आप उसे लो क्वालिटी का स्पीकर कंसीडर कर सकते हो। सो इसी तरह से आप कोई भी हेडफोन का क्वालिटी खुद से ही चेक कर सकते हो। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर बिलव्ड पीपल। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन।